है आप सभी का जेटीवी भारत में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरें। करोड़ों की जमीन हथियाने वाले भू माफिया नाचानी बंधुओं के खिलाफ पीड़ित ने अब डीसीपी आदित्य मिश्रा के पास पहुंचकर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले भू माफिया नाचानी बंधुओं और उनके साथ मिले भागीदारों के खिलाफ शिकायत की। जहां पीड़ित मंदवानी को दो घंटे के करीब डीसीपी ने अकेले सुनकर पूरी बात समझी। संतोष देवकान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पूर्व डायरेक्टर सुनील मंदवानी ने अपनी कंपनी को केशव नाचानी, कमल नाचानी, अंकुश नाचानी को 43 करोड़ बेची थी, लेकिन नाचानी बंधुओं की नीयत पैसे देने में पलट गई और 1 करोड़ ही देकर पूर्व डायरेक्टर सुनील मंदवानी को कमल नाचानी, केशव नाचानी, अंकुश नाचानी भाग निकले और कंपनी पर कब्जा कर लिया। वहीं और तो और लिम्बोदी में काटी गई कॉलोनी के प्लॉटों का भी लोगों को बेचकर पैसा हड़प लिया। भू माफिया नाचानी बंधुओं के खिलाफ ईडी में भी शिकायत हो चुकी है, लेकिन यह नाचानी बंधु माफियाओं ने करोड़ों की कंपनी लेकर उसके करोड़ों रुपए हड़पने की नियत रख रहे हैं। पीड़ित ने डीसीपी आदित्य मिश्रा से मिलकर इन लोगों के खिलाफ शिकायत की है। कमल नाचानी, केशव नाचानी और अंकुश नाचानी के खिलाफ हमने आवेदन दिया था, तो उनकी उसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया था कि क्या क्या करना है और क्या क्या केस है उनके ऊपर। मैंने उनको बताया, ईडी का भी उनके ऊपर केस चल रहा है, यूओडब्ल्यू वाले उनसे पूछताछ कर रहे हैं, ऐसे कई केस उनके ऊपर चल रहे हैं। पूछा उन्होंने कि आपने क्या है आपका, मैंने बताया हमने एग्रीमेंट किया था इनसे 27/10/2022 के लगभग 43 करोड़ रुपए में हमने इनको कंपनी बेची थी, न ये पैसे दे रहे हैं। 120 दिन में इनको रेरा लाना था और कॉलोनी कंप्लीट करना थी जी, लेकिन ये कुछ भी इन्होंने नहीं किया और पैसे भी देने को तैयार नहीं है। कंपनी क्या नाम है आपकी? संतोष देवकान प्राइवेट लिमिटेड। कितने बेची थी? 43 करोड़ रुपए में। अभी कितने पैसे आपको लेना है? 1 करोड़ रुपया दिया है इन्होंने बस। कौन लोग फ्रॉड करने लगे? कमल नाचानी, अंकुश नाचानी और केशव नाचानी। कंपनी क्या करती काम का? ये जमीन डेवलपमेंट करती है। इन्होंने 2 डायरेक्टर भी बढ़ा लिए और 2 शेयर होल्डर भी बढ़ा लिए हैं। इनको जो 30/9/2023 तक ये डायरेक्टर थे, लेकिन न ये डायरेक्टर पद से हट रहे हैं और वाले वाले प्लाट बेचे जा रहे हैं और करोड़ों रुपए लोगों से वसूल कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। कहाँ प्लाट काटे और कहाँ बेचे जा रहे हैं? लिम्बोदी गांव में। अच्छा। महालक्ष्मी धाम कॉलोनी। हाँ। करोड़ों रुपए के प्लाट इन्होंने बेच दिए। साहब ने क्या बोला आपको? साहब ने बोला कि हम कार्यवाही करेंगे, मतलब इतनी देर चर्चा हुई, न्याय। हाँ, न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है, यहाँ तो पूरी उम्मीद है साहब से। नाम बता दो। सुनील मंदवानी।